वांछिल डोईफोड़े हत्याकांड में दो आरोपी मित्रों को रविवार को अवकाशकालीन अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी श्रेयस अनिल मेशराम और उसका मित्र सौरभ अविनाश वेरागड़े दोनों जूना बगड़गंज निवासी हैं। परिसर में रहने वाले बसपा नेता के मासूम पुत्र बॉबी उर्फ वंशिल हर्षवर्धन डोईफोड़े के साथ दोनों आरोपियों ने मारपीट की थी। अंदरूनी चोट लगने से 18 दिसंबर को वंशिल की मौत हो गई। जांच के दौरान नंदनवन पुलिस ने परिसर के करीब 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज किए। इस बीच पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में वंशिल की मौत पिटाई से होने का जिक्र किया गया था। प्रकरण को गंभीरता से लेकर पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। रविवार को अवकाशकालीन अदालत ने दोनों को मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वंशील डोईफोड़े हा 11 वर्षाचा मुलगा बगर जुना बगर भागात राहतो। त्याच्या शेजारी श्रेयस मेश्राम आणि सौरभ वैरागड हे 20-21 वर्षाची मुलं राहतात। वंशील हा त्यांना शिवीगाळ करत असल्याने ते त्याला येता जाता डोक्यावर वगैरे मारहाण करत होते। दिनांक 14/12/2021 रोजी वंशीशीलची बहीण स्वरा हिच्या सांगण्यानुसार सायंकाळच्या वेळेला श्रेयस आणि सौरभ यांनी वंशीशीलाला नंदन झोपडपट्टीच्या नाल्याच्या बाजूला नेले व त्याला हातबुक्कीने मारहाण केली। त्यानंतर तो आजारी पडला। त्याच्या आईवडिलांनी त्याचा उपचार खाजगी दवाखान्यामध्ये केला आणि 18 तारखेच्या रात्रीला त्याची प्रकृती बिघडल्याने त्याला सेंटर पॉईंट हॉस्पिटल नेलं असं डॉक्टरांनी मृत घोषित केले। त्यानंतर पोलिसाकडे तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी सदरची बॉडी मेडिकल येथे दाखल केली। त्यानुसार 127/2021 मत दाखल करण्यात आला। सदर गुन्ह्याच्या तपासात आणि स्वरा हिने दिलेल्या स्टेटमेंटनुसार व PM रिपोर्टनुसार हेड इंजुरी आल्याने दोन्ही व्यक्तींवर 302, 323, 334 भागीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व त्यांना अटक करण्यात आली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।